नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे एक फिल्म के बारे में, नाम है अतिथि भूतो भव। ये डायरेक्ट G5 पर रिलीज हुई है, डायरेक्टर है हार्दिक गज्जर। दोस्तों, रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज और मूवीज के रिव्यू के साथ साथ आपको यहाँ मिलती है OTT की दुनिया की हर जानकारी। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं स्टोरी लाइन से। श्रीकांत शिरोडकर और नेत्रा एक कपल है, लिव इन में ये लोग रह रहे हैं, लेकिन श्रीकांत एक लापरवाह किस्म का व्यक्ति है और चीज़ों को वो फॉर ग्रांटेड लेता है, यहाँ तक कि अपने रिलेशनशिप को भी, और इस बात से नेत्रा से उसका झगड़ा होता रहता है। फिर एक दिन ऐसा कुछ होता है कि एक भूत श्रीकांत के पीछे पड़ जाता है और उसके साथ ही वो उसके घर भी आ जाता है। ये जो मरने वाला व्यक्ति था या जो भूत है, उसका नाम है माखन सिंह, और माखन सिंह का भूत अब ये कहता है कि श्रीकांत पिछले जन्म में उसके दादा थे और उनको माखन के साथ किया गया एक वादा अब पूरा करना है। तो दोस्तों, इस कपल का क्या होता है, इस भूत की कहानी कैसे आगे बढ़ती है, यही कहानी आप इस फिल्म में देखते हैं। दोस्तों, इस फिल्म की जो कहानी है वो बेहद ही कमजोर है, या कहिए कि बस कहानी के लिए थोड़ी सी कुछ कहानी है, और उतनी ही खराब इसकी राइटिंग है। डायरेक्शन में भी कोई चीज आपको यहां दिखती नहीं है। दोस्तों, ये फिल्म एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, लेकिन न तो आपको यहां रोमांस दिखता है न ही यहां कॉमेडी दिखती है। हाँ, यहां बार बार कुछ चीजें हमारे सामने कही जरूर जाती हैं कि प्यार जो है एक बेशकीमती चीज है, प्यार कई जन्मों तक हो सकता है, मरने के बाद भी हो सकता है, या फिर प्यार के बीच में ईगो वगैरह नहीं लाना चाहिए। तो ये जो कुछ प्रीचिंग जैसी चीज है वो चलती रहती है, लेकिन ये जो लोग हैं, ये जो किरदार गढ़े गए हैं, उनके एक्शन से ये बात हमको फिर समझ में नहीं आती। और दूसरा ये कि यहाँ आपको बुद्धि लगाने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ लॉजिक की कोई गुंजाइश नहीं है, और अगर आप किसी भी चीज में कोई लॉजिक ढूंढते हैं तो फिर ये कमी तो आपकी है, क्योंकि बनाने वाले ने इसमें ना कोई लॉजिक रखा ना कोई बुद्धि लगाई। और दोस्तों देखिए, यहां एक आदमी हमको दिखता है, वो पूरी जिंदगी अपनी जी गया, मरने के बाद भूत भी बन गया, लेकिन उसको अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए अब एक आदमी के सहारे की जरूरत है, और वो आदमी जिसका कि पुनर्जन्म हो चुका है, तो वो अब ये जान रहा था कि मेरे दादाजी का पुनर्जन्म होगा तब वो उससे अपना वादा पूरा करवाएगा। मतलब क्या चीज़ है ये, और भूत बन करके वो लटका हुआ है। अरे भाई, वो भूत है, वो तो कहीं भी जा सकता है, वो चला जाए और जा करके ढूंढ ले अपनी प्रेमिका को, अगर ऐसी ही बात है तो ऐसी बहुत चीज़ें आपको यहाँ दिखती हैं। दोस्तों, ये फिल्म कहीं भी आपको अट्रैक्ट नहीं करती है, कहीं भी आपको बांधती नहीं है, और हमेशा ये बोझिल सी लगती रहती है। देखिए, श्रीकांत और नेत्रा की यहां लड़ाई होती है, अब यहां कपल के कुछ इश्यूज हमारे सामने आने चाहिए, लेकिन ये जो इश्यूज हैं वो इतने बचकाने हैं कि देख करके हंसी भी नहीं आती है। और इसके बाद देखिए, यहां एक रोड ट्रिप रखा गया है, अब ये लोग रोड ट्रिप पर निकलते हैं तो श्रीकांत अपनी एक फ्रेंड को साथ में ले लेता है, अब वो फ्रेंड जो है वो ड्राइवर से ज्यादा की भूमिका में है नहीं, लेकिन फिर थोड़ी देर उसकी भी एक कहानी चल पड़ती है। अब वो यहां कहानी क्यों रखी गई, क्या इसका मतलब है, कुछ समझ में नहीं आता। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, ये जो फिल्म है वो बेहद ही खराब फिल्म है, आपको कहीं से भी अच्छी नहीं लगती। और सबसे बुरा तो लगा मुझे प्रतीक गांधी के लिए। देखिए, प्रतीक गांधी एक बहुत ही प्रतिभाशाली कलाकार हैं, स्कैम 1992 में हम उनका जलवा देख चुके हैं, लेकिन अब प्रतीक गांधी को भी ये सोचना होगा कि कुछ अच्छी कहानियों का वो चयन करें, कुछ अच्छे रोल का चयन करें, तभी जाकर के वो अपना एक्टिंग स्किल और अच्छे से दिखा पाएंगे और हम सब उनको देख करके एंजॉय भी कर पाएंगे। तो यहां बहुत कुछ करने के लिए था नहीं प्रतीक गांधी के पास, तो उन्होंने भी कुछ किया नहीं। जैकी श्रॉफ भूत की भूमिका में है और वो भी साधारण ही लग गए हैं। इसके अलावा समीरन सहगल हैं या दूसरे कलाकार हैं तो वो भी कुछ खास आपको अट्रैक्ट करते नहीं है। अगर तकनीकी तौर पर देखें तो भी ये फिल्म ओके ओके ही कही जा सकती है।
हालांकि कुछ जगहों पर सिनेमेटोग्राफी आपको अच्छी लगती है, लेकिन म्यूजिक का डिपार्टमेंट बहुत ही भारी भरकम है और बहुत सारे गाने इसमें ठूंस दिए गए हैं। मतलब एक गाना खत्म होता नहीं है, कहानी कुछ आगे बढ़ी नहीं कि दूसरा गाना, ऐसा लगता है जैसे इन्होंने गाने दिखाने की एकदम ठान ली थी और बीच बीच में थोड़ी सी फिल्म भी चला दी। तो दोस्तों ये जो गाने हैं वो भी एक वक्त के बाद बहुत ही खराब लगने लगते हैं और उनको देख के भी कोई मज़ा नहीं आता। तो दोस्तों ये जो फिल्म है ये है करीब 1 घंटा 40 मिनट की और एक साफ सुथरी फिल्म हालांकि ये जरूर है, अगर आप चाहें तो फैमिली के साथ देख सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप ना देखें तो ऐसा आपका कुछ जाता नहीं है। और मैं तो ये कहूँगा कि कहानी यहाँ भूत की है तो भूत से जितनी दूरी आप बना करके रखना चाहते हैं उतनी ही दूरी इस फिल्म से भी बनाइए तो ही ठीक रहेगा। और इस फिल्म के लिए जो मेरी रेटिंग है वो है 5 में से केवल 1.5 की। तो दोस्तों आज इतनी ही बात, आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा और आपने अगर ये फिल्म देखी है तो भी मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। धन्यवाद।